फाइनली जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था 20 वाले प्रोमोशन का रिटर्न का, वो आज हमें मंडे लेटर के ऊपर जाके देखने को मिल चुका। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखना, लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। बाकी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब वो 20 वाला प्रोमोशन था जिसको देख के रोमन रेंज को भी रिंग छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन जो रिंग के अंदर थे यार, हमारे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड, उसकी तो हालत खराब कर दी आज 20 वाले ब्रॉक लेसनर ने। मतलब पहले तो पहले टैग टीम बन के आया, पहले उस टाइम शॉक करा पूरी ऑडियंस को, फिर अपना हील टर्न दिखा दिया, तब जाके शॉक करा। लेकिन ऐसा ब्रॉक लेसनर करा क्यों? क्या वो ब्लड लाइन के साथ मिलने वाले हैं या कुछ और सीन चल रहा है, उनका कोडी रोड के साथ कोई फ्यूड का मतलब है, या रोमन के साथ कोई फ्यूड चाहिए उन्हें? आइए जानते इस वाली वीडियो में फुल डिटेल के अंदर। द फर्स्ट सीजन ऑफ रिटर्न ऑफ बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर का, ये फर्स्ट सीजन ये है कि ब्रॉक लेसनर की खराब बुकिंग। अगर आपको याद होगा कि ट्रिपल एच के कंट्रोल में लास्ट 3 मैचेस हुए थे हमारे ब्रॉक लेसनर के, दो बॉबी लेसनर के साथ और एक ओमोस के साथ, और आप जानते हो कितने ही वाहियात में इस थे। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। अगर हमारे ब्रॉक लेसनर आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आए, यानी कि उन्होंने जो एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी साइन कर लिया है, और शायद से यही हुआ क्योंकि वैसे भी अब तो इंडिवर के साथ हमारी डब्ल्यू वाले मर्ज होने वाले, मतलब यूएफसी के साथ मर्ज होने वाले हमारी कंपनी, मतलब इतनी गंदी तरीके से मान लगाना क्या मतलब बनता है। सेकंड रीजन ये है कि हमारे क्या ब्रॉक लेसनर को हमारे कोडी रोड के साथ क्या कोई फ्यूड चाहिए? तो मतलब अगर इन दोनों की फ्यूड चालू भी कर देते डब्ल्यू वाले, फिर कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंज की जो दुश्मनी चल रही है उसका क्या होगा, जहाँ पे हमारे हमारे कोडी रोड ने इतनी मेहनत करी। मतलब एक बात कहूँ तो रियल में जो है ना इतने डिजर्व नहीं करते थे हमारे इंडिया वाले खास कर, तो उनका यही कहना है। शायद से ये हो सकता है कि हमारे 20 वाले ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फ्यूड चला के उन्हें बिल्डअप करके दोबारा रोमन को दूसरे रन करने के लिए भेजे कोडी रोड को, क्योंकि कोडी रोड जो रॉयल रंबल जीतने के बाद जो एकदम से फेस टू फेस आना रोमन रेंज के, एकदम से वो डिजर्व नहीं करते। मतलब हमारा खास करके और लोगों नहीं पता, लेकिन इंडिया वाले तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये हो। और कोडी रोड जो थोड़े कम पावरफुल लड़ रहे थे रोमन रेंज के अगेंस्ट में, इसलिए ट्रिपल एच ने उन्हें जितवाया भी नहीं। मैं मानता हूँ रॉयल रंबल जीती, थोड़ा बहुत अच्छा बिल्डअप बनाया, लेकिन जो है नहीं जितवाया, अच्छा करा अला काम थोड़ा सा। असल में मैं आपको मेन प्लेयर बताऊँ ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड देने का क्या मतलब है कोडी रोड को, तो मतलब ये है कि हमारे जो अभी रोमन रेंज के सामने जो कोडी रोड थोड़े फीके से लग रहे थे अगर मैं सच बताऊं तो इसलिए जो बीस्ट वाले ब्रॉक लेसनर के साथ जो है ना फ्यूड देके इनका एक मैच नहीं होने वाला, इनकी पूरी एक सीरीज चलने वाली है। मतलब 5-6-7 मैच होने वाले इनके, जिसमें कोई भी जीत जा शुरू के मैचों में, लेकिन एंड का जो सबसे लास्ट मैच होगा वो जीतने वाला हमारे कोडी रोड। फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ कोडी रोड काफी दमदार है। फिर असल में बताऊँ ना तो डिथ्रोन तो रोमन रेंज को कोडी रोड से करेगा, कोई कुछ भी कर लिया। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोडी रोड को जो ब्रॉक लेसनर फ्यूड चला के एक पावरफुल मोमेंटम देना चाहते हैं रोमन रेंज के अगेंस्ट में जाने के लिए। ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे कोडी रोड तो थोड़ा बहुत उन्हें मोमेंटम भी मिलना चालू हो जाएगा, रोमन रेंज के सामने वो थोड़े पावरफुल लगेंगे, टक्कर के लगने लगेंगे, और ट्रिपल एच के सामने जो है मतलब अच्छा खासा दिखाने की कोशिश करेंगे ट्रिपल एच भी। अब कोडी रोड को देखना भारी भरकम दिखाएंगे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगे कोडी रोड को, देख लेना तुम लोग। और ये सब चीज जो एंड होने वाली है जाके हमारे ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड का जो सीन सीरीज जो चलेगी वो एंड होगी समर स्लैम के अंदर जाके, जहाँ पे कोडी रोड रोमन रेंज और हमारे ब्रॉक लेसनर जो तीनों एडवर्टाइज है इस बार के समर स्लैम के अंदर। बाकी आज के मंडे नाइट रॉ को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट थे सारे क्लियर होंगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो।